तभी तो मैंने अपने घर में सिर्फ मिलानो के ही प्रोडक्ट लगवाए हैं। और हाँ, इन सब में मैं अपनी बेगम को कैसे भूल जाऊँ, तभी तो किचन में भी सिर्फ मिलानो का वाटर प्यूरिफायर है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू। तभी तो किचन में भी सिर्फ मिलानो का वाटर प्यूरिफायर है। तो आप भी यकीन करें मुझ पर और मेरी सलाह पर। हेलो मलबाने असलामुअलैकुम। हेलो मरबाने असलामुअलैकुम। तो यार, जब मैं इंडियन एड्स की माँ को रोल के फारिग हुआ था, तब बीच मैंने शपथ खाई थी कि अपने पाकिस्तानी एड्स को भी रोलना, रंगीनों मारो डोलना है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी एड्स कौन से दूध से दुले और लस्सी से ना आए हैं। यहाँ के एड्स में भी दिखाते कुछ है और अंदर से कुछ निकलता है। प्रोडक्ट के रैपर के ऊपर तो नूरा, लेकिन अंदर बाबा नूरा होता है। तो एक सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते मेरा ये हक बनता है कि इनको रोस्ट किया जाए, क्योंकि हमारे से अच्छा इनको कौन जानता है। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। तुम यहाँ नया आए हो, मेरी चाय इस तरह नहीं आएगी। ये चम्मच सीधे हाथ पर उल्टा करके रखेंगे, समझ गए? और ये कप का हैंडल भी इधर उधर होने के बजाय सीधी तरफ एंड चम्मच के दरमियान में ऐसे रखा जाएगा। और ये बिस्किट भी ऐसे नहीं रखे जाएंगे। मीठे वाले बिस्किट राइट साइड पर ऐसे, और नमकीन वाले लेफ्ट साइड पर ऐसे, और हर लाइन में तीसरा वाला बिस्किट उल्टा होगा ऐसे। और ये ट्रे भी इस तरह से नहीं। दिमाग के कीड़े के अलावा हर कीड़े को मारे सिर्फ एक उसमें, किंग टॉक्स छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन चुन के। हो सकता है कि किंग टॉक्स से दिमाग का कीड़ा भी मर जाए, पर जो कीड़ा इस बाबे की टुई में चुलबुल चुलबुल करता है, उसे मारने के लिए कुछ और ही स्कीम लगानी पड़ेगी। चलो भाई। वो किसी एक दरख्त वाले जंगल के बादशाह, वो किसी एक कमरे के वजीर आजम, वो एक टांग वाली कुर्सी, वो एक सीट वाली बस के ड्राइवर, घर में चाहे तुझे सालन मुश्किल से मिलता हो, और बरहम अफसरों वाले, ऐसा बोसट पप्पू टट्टू टैना मेरा बॉस होता तो मैंने पहले ये गरम गरम चाय इसके सेंटर में डोलनी थी, और तीन बिस्किट उल्टे और तीन बिस्किट सीधे रख के इनके ऊपर 10 जूतियां उल्टी करके और 10 जूतियां सीधी करके 500 जूतियां मारनी थी, और हर दफा 499 पे आके गिनती भूल जाया करनी थी, और फिर दोबारा एक से गिनती शुरू करनी थी, और ये सिलसिला तशद्दुद तब तक जारी रखना था जब तक इस साइको बाबे का कीड़ा अंदर ही फोत नहीं हो जाना था। और अभी अभी मुझे मोकलों से खबर मिली है कि इस बाबे के यहाँ इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से औलाद नहीं होती। हर रात अपने कमरे में जाके बेगम को कहता है कि मैं जब अंदर आऊँ तो दरवाजा पहले से खुला और लाइट पहले से बंद हो, और तुम बेड के राइट साइड पे थोड़ा दरमियान में बैठी हो, और तकिया सीधे हाथ वाला उल्टा और उल्टे हाथ वाला सीधा करके रखना है। यही समझाने में सुबह हो जाती है। खत्म। तुमसे जरा सबर नहीं होता क्या? कुछ ही दिन तो रह गए शादी। क्या करूँ, वो खुशबू, वो रंग, वो जायका। जायका? चाय का? तुम चाय पीने के लिए आए हो? एक्चुअली वो मैं। ज्यादा बातें मत करो, अंदर आओ, यही वेट करूंगा। ये ले आपकी चाय, और ये भी ले जाए, खुद बना के पीते रहना। कमर चाय, रिश्तों में लाए चाहतों का रंग, खुशबू और जायका। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी ये तो लेते जाओ। बाबा अंकल, वो मैं तो चाय भी नहीं आया था। देखा मेरी बेटी की चाहत का कमाल। तुम्हारी बेटी का नहीं, कमर चाय का कमाल है। इतने मुतमईन बगैरत माँ पियो मैंने पहले नहीं देखे। ये आने में कहीं थोड़ी सी देर और कर देते तो ऊपर दो नहीं तीन लोग होने थे, समझ रहे हो? ऐड की शुरुआत एक चोरत भी है दूल्हे से होती है, जो अपनी मंगेतर के साथ सीन में रंग भरने के लिए इसकी दीवार टाप के अंदर आ जाता है, पास पड़ी सीढ़ी लगा के सीधा ऊपर चले जाता है, खुद तो ऊपर जाता है, जादू से सीढ़ी भी ऊपर ले जाता है। लड़की समझती है कि दूल्हा मेरे लिए आया, लेकिन वो उसे कहता है मैं तो चाय के लिए आया हूँ। इतनी प्यारी लड़की छोड़ के चाय मांग रहा है। ये लड़का लगता है धनिया पुदीना फ्रिज में बैठ के खाता है जो इतना ठंडा है। एक कप चाय के लिए कौन पागल का बच्चा अपनी जान दांव पे लगा के आता है। वैसे एक बंदा है जो इस काम में इसका भी बाप है, जिसने चाय के चक्कर में अपना करोड़ों डॉलर्स का जहाज तबाह करा लिया था। ये बेचारा तो सिर्फ दीवार टाप के चाय पीने आया, वो अगला बॉर्डर टाप के चाय पीने आ गया था। खैर, लड़की चाय के साथ साथ अपने होने वाले पति को पत्ती का डब्बा पकड़ा के कहती है ये लो, और दोबारा शादी से पहले अपनी बूथी ना दिखाना और चाय खुद ही बना के पीना। लेकिन लड़के का मूड तब तक चेंज हो चुका होता है। लड़का कमर चाय पी के अपनी मंगेतर की कमर तोड़ने ही वाला होता है कि साथ ही लड़की के अब्बा की आवाज आ जाती है, कोसर उते में, और दोनों पकड़े जाते हैं। लड़का कहता है मैं तो चाय पीने आया था। जैसे इस अंकल आंटी को कुछ पता ही नहीं, वो दुनिया पे इतनी देर से हम ले रहे हैं, उनकी तो ये ऊपर खड़ी बेटी भी डबल रोटी से निकली है। इन्हें देख के मेरा तो ख्याल था कि अब्बा का रिएक्शन ये होगा। लेकिन अब्बा जी दोनों हाथ जेब में डाल के अपने ही मजे ले रहे हैं। चेक करवाओ कहीं बाबे ने जेब ही ना फाड़ी हो। बेटी के कमरे से बंदा उतर है और वो चिल खड़े हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी सारे बैठ के दोबारा चाय पीते हैं, और अब्बा जी हंस-हंस के लड़के से पूछते हैं कि कोई सीन-सीन एन-गैन किया या हम पहले ही आ गए थे छापा मारने। देखिए क्या किया आपने, पूरी की पूरी कमीज खराब कर दी आपने। आप देखिए तो सही। मैम, वी आर रियली सॉरी, लेकिन ये दाग निकल जाएगा, किसी भी डिटर्जेंट से धो लो, निशान छोड़ जाएगा। मामा प्लीज, आप भी ले आए। पर बेटा देखो तो सही, क्या किया है इन्होंने? क्या क्या था तुम क्या? मैम राइट,
राइट घर आया और कुछ दिनों बाद बहू। हर दाग के पीछे एक कहानी होती तो मेरे ट्रोजर के पीछे एक पूरी लाइब्रेरी होनी थी। और इतनी खूबसूरत मैनेजर कौन से होटल में पाई जाती है, मुझे उस होटल का नाम बताओ। चलो रहने दो। जिस सबस भरी निगाहों से ये लड़का देख रहा है मुझे स्टोरी समझ आ गई है। ये लड़का लड़की का पहले से ही चक्कर था, सारा ड्रामा इसने अपनी माँ को उल्लू बनाने के लिए किया। अम्मा जी समझती होंगी कि क्या खूब बदला लिया एक दाग का, अब ये मैनेजर सारी जिंदगी हमारे घर के दाग धोएगी। लेकिन आंटी को ये नहीं पता कि मैच फिक्स था, माँ को ही पागल बना दिया गया। मेरे ख्याल में सरफ के इस थैले पे छोटा सा लिखा होना चाहिए था कि दाग जा सकते हैं पर बगैर थी नहीं। यही जितनी जल्दी आंटी लड़की को बहू बना के घर ले आई है, लगता आंटी भी थोड़ी हुई थी, काफी सालों से अपने मुंडे पिछेर का रिश्ता ढूंढ रही थी। आखिरकार सालों की मेहनत के बाद इनको बहू मिल ही गई, क्योंकि वो कहते हैं ना, देर आए गलत आए। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो, तुम ये गद्दा कहा था। हाँ कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यू फोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। इस गद्दे के बच्चे को गद्दे और गद्दे का फर्क ही नहीं पता। नरम सा तो है। ओ भाई इस तरह नरम तो और भी बहुत कुछ होता है। अगर कल को कोई तुमसे नरम चीज मांगेगा तो तुम वो दे दोगे, समझ रहे हो? खान साहब लग रहे हैं इनको इन्हीं की जुबान में समझाते हैं, ताकि इनको गद्दे और गधे का फर्क पता लगे। जैनो को जेरे लक्षणों वाला ओ शर्मा कैद है, जेतबा दिगर लखन जीरा लाला हराम दल कुत्ते का बच्चा खोता गद है। की गल है, ना टमाटर धोते ना प्याज कटिया ना किसी ने चूल्हे थले अग बाली, कितने नत भुखे ते नहीं रहन लग पे। असि तेरे आन दी खुशी विच बदमाश बिरयानी दा ऑनलाइन ऑर्डर दिता है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ये दुनिया का वाहिद बदमाश है जिसने अपनी अखा लाइफ में फूसी के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं मारी। भाई तेरी शक्ल देख के तू बदमाश कम और बदमाश ज्यादा लग रहा है, पद जैसी शक्ल है। सॉरी सॉरी सॉरी। और बदमाश की विग चेक करो, किसी पागल खाने का मस्त होता है। इस तीन टाइम के पागल को लगता है कि इसके ऐसे हंसने से लोग इससे डर जाएंगे। सानू बदमाशी ते ला के आप मोटियार ले फिरना है। मेरा राज छोड़ दे शेर खान, मैं बदमाशी छड़ दी। अबे ये एड्डा तू बाहुबली, तेरे वर्गे बंदे मच्छर मार के अद्धे घंटे बाद आप मार जांदे ने, इन्हें बदमाशी छड़ी है। पहले मोहल्ले का हर गटर यही खोलता था। ए अनहोनी कदों हुई है जगया? जदों दा मैं पटाका मुटी दा प्लेटर खादा है। पटाखा पोटी दा प्लेटर। तो तेरा अपना मुंह किसी बरात से चुराई गई बड़ी प्लेट जैसा है। ऐसे डरपोक बदमाश होते हैं, पहली धमकी मिलने पे माफी मांग के सुलह कर लेते हैं। और ये दूसरे भाई जगिया से लड़न नहीं, पटाखा पोटी दा प्लेटर खाना है। इतनी जबरदस्ती की एक्टिंग कराई है इससे, ऐसा लगता है कि इसको चार दिन से कब्ज फंसी हुई है। ऐसे बंदे सुखी नहर में छलांग लगा के सोच रहे होते हैं कि मैं गीला क्यों नहीं हुआ। ऐसे बंदे कोक पी के कह रहे होते हैं भाई तेरा फुल नशे में है। परे होइया, तुम्हें पता नहीं कि हमारी सल्तनत में इश्क करना जुर्म है, इनका सर कलम किया जाए। हमें माफ किया जाए शहजादा हुजूर। तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ लड़के। मुझे महफिल रेस्टोरेंट की मुगलाई हांडी खिला दे। ये क्या है? शहजादा हुजूर आप एक मरतबा खाएंगे। शहजादा हुजूर आप मरतबा एक पाकर तो देखे। इनको छोड़कर इसका सर कलम किया जाए। शहजादा मेरा कसम किया है। इतनी मजेदार मुगलाई हांडी तुमने पहले क्यों नहीं बताई? ये सही किया इसने, जिस तरह इसने शहजादा हुजूर कहा था, इसे इससे सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसको पहले सजाए मौत दे, फिर उस सजाए मौत को सजाए मौत दे, और फिर जिसने उस सजाए मौत को सजाए मौत दिया उसको भी सजाए मौत दे, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। ये बंदा इतने किसे पीटे सस्ते एक्टर पता नहीं लब के कहां से लाता है। 150 रुपया लेके 2 रुपए की एक्टिंग नहीं करते। अब बैंड पे बात करते हैं उस महिला की एड की, जिसको देख के शर्म को भी शर्म आ जाती है। आप सबकी भरपूर लानतों में हाजिर है। हाय जान, चेक इन करने वाली, बस कुछ ही घंटे की बात है। सी यू सून। मैडम बैग चेक कराएं। वो मैं उनसे 10 दिन बाद मिल रही है ना,
ये बक्से के मुंह वाली उनसे 10 दिन बाद मिल रही है, लेकिन जिससे ये मिल रही है उसका आखिरी बार होगा। मैं लिख के देता हूँ। नहीं यार, ऐसे एड भी टीवी पे चलते हैं। ये मथीरा पांडे देख लेना, एक दिन पैमरा को इंटरनेट पे भी लेके आएगी। वैसे ऐसे एड बनाने की जरूरत कोई नहीं है। खैर कोई नहीं, हम है ना इनकी इज्जत से इज्जत उतारने वाले। ऐसी लड़की को, सॉरी ऐसी औरत को, कोई बाबा मोटा पतला काला गोरा गिठा लंबा बच्चा जवान जिन पहलवान दुकान वाला सब्जी वाला केबल वाला चोर चकोर कोई अय्यर कोई वेणु गोपाल अय्यर कोई मुत्ता स्वामी वेणु गोपाल अय्यर कोई चिन्ना स्वामी मुत्ता स्वामी वेणु गोपाल अय्यर कोई परम द पूरे चिन्ना स्वामी मुत्ता स्वामी वेणु गोपाल अय्यर कोई यक्के परम पीले परम द चिन्ना स्वामी मुत्ता स्वामी वेणु गोपाल अय्यर कोई ट्रीची पल्ली यक्के परम पूरे परम चिन्ना स्वामी मुत्ता स्वामी वेणु गोपाल अय्यर कोई श्रीनिवास आटा पाटू जय सूर्या जेशकिरा दलित बच्चा ट्रीची पल्ली यक्के परम पीले परम द चिन्ना स्वामी मुत्ता स्वामी वेणु गोपाल अय्यर। हल्की सी भी लाइन मार दे तो ये तब तक उसकी जान नहीं छोड़ती जब तक उसकी सारी जान निकाल ना ले। तो यार आपको एक अपडेट देनी थी, यूट्यूब की यकियों की वजह से मुझे कुछ वीडियोस डिलीट करनी पड़ रही हैं, तो वो मैंने अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर दी हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो एक एक बार वीडियो भी देख लें, थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाएगी। बाकी टेंशन वाली कोई बात नहीं, अब वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी। इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में दबा के शेयर करें और मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले घंटे कॉल पे कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अच्छा यार मैं हूं असल सरकार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। चलो भाई।